शुभ प्रभात बच्चों, आज मिशन शिक्षण संवाद के दैनिक पठन पाठन में कक्षा 7 के संस्कृत के बच्चों के लिए मैं वंदना लेकर प्रस्तुत हूँ। हम सभी लोग इस वंदना की तृतीय अन्विति तक पहुँच चुके हैं, उनको समझ चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने इसको बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और अब हम इसकी चतुर्थ अन्विति की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सस्वर वाचन करती हूँ और आप सब लोग भी इसका सस्वर वाचन करेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ, वो भी अपनी मम्मी पापा या बड़े भाई बहनों के सामने। तो ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरस्ताम्नो तब पद कमले, मतिरस्ताम्नो तब पद कमले, ऐ कुंठा विश्वहारिणी, जय जय हे भगवती सुर भारती। बच्चों, यहाँ कवि माँ सरस्वती के साथ साथ हे देववाणी संस्कृत वाणी की भी वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ, आप ललित कलाओं से पूर्ण हो। यहाँ ललित का अर्थ बच्चों सुंदर और कोमल होता है, जैसे कि गुलाब की पाखुरी और आप जैसे बच्चों की निश्चल मुस्कान। ज्ञान विभामय, विवाह का अर्थ प्रकाश, जिसे रोशनी उजाला भी कहा जाता है। तो हे माँ, आप ललित कलाओं से पूर्ण हो, माँ आप ज्ञान की आभा से पूर्ण हो। वीणा पुस्तक धारणी, आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मति रस्ताम नो तब पद कमले, मति का अर्थ होता है बच्चों यहाँ बुद्धि, आस्ताम हो कि हे माँ, जो कि आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो, हमारी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे। माँ आई कुंठा विष हारणी, हे माँ कुंठा के विष को दूर करने वाली आपकी जय हो। यहाँ बच्चों कुंठा का मतलब होता है परेशानी, अवसाद, दुख, कष्ट, तकलीफ। जब हम किसी परेशानी में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं तो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमारी बुद्धि में विवेक प्रदान करने वाली माँ सरस्वती हैं। तो हे माँ सरस्वती, जो कि ज्ञान की आभा से पूर्ण हो, हमारे हृदय की कलुषताओं को दूर कर हमारे हृदय में बुद्धि और विवेक का समन्वय बनाकर आप हमारे चारों ओर उजाला ही उजाला बिखेरती रहें। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप इसको याद करेंगे, इसका सस्वर वाचन करेंगे और हमेशा ही माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए अपनी बुद्धि और विवेक के साथ अपना नाम, अपने परिवार का नाम उज्ज्वल करेंगे।